मैंने लिया था देसी खजूर। दूध वाले ने इतना लेट कर दिया ना कि दिमाग खराब हो गया मेरा। यहीं डिज्नीलैंड आए थे हम लोग, बट काफी ज्यादा भीड़ थी यार। गुड मॉर्निंग माय ब्लॉग फैमिली, आई होप यू आर वेरी वेल। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे शॉप निकलने में। एक्चुअली दूध वाले जो भैया वो लेट से आएंगे, इस वजह से मैं भी थोड़ा लेट से जा रहा हूँ। काफी मच्छर है यार यहाँ पर। चलिए निकलते हैं। यहाँ पर प्यारी सी गौ माता जा रही है, सूरज दादा भी आ चुके हैं, और कल बारिश हुई उसका नतीजा देख लीजिए। काफी प्रॉब्लम हुई कल रात में वापस आने के लिए, क्योंकि काफी बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं यहाँ पर, हैवी गाड़ियां चल रही। इस कारण इस रोड में हवाएं काफी अच्छी चल रही। ये देखिए आज फिर से पानी गिर गया पूरा। एक्चुअली इसका जो ढक्कन था काफी ढीला सा लगता है। चलो कोई ना, दोपहर में ले आएंगे हम। फिलहाल शॉप ओपन कर लेते हैं। अभी तक दूध आया नहीं है तो मैं क्या कर लेता हूँ, सफाई और सामान का तो बाहर निकाल दिया हूँ मैं। ये हमारे नंदी महाराज आ गए हैं। अरे यार शॉप के अंदर तो मेढक आ गए थे, पता नहीं कहाँ से अभी इधर से गए अंदर। काफी बड़ा था बट कितने टाइम घुसा है याद ही नहीं। हो सकता है कल रात में आया। आज दूध आने में काफी लेट हो रहा है, इस वजह से मैं मोस्टली लोगों को कॉफी या फिर जैगरेट ही रिकमेंड कर रहा हूँ। ये सेकेंड टाइम कॉफी रेडी हो रहा है। चलिए इस दूध को भी फ्रिज में रख लेता हूँ मैं, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। अरे यार 7 बज गया, दूध वाले भैया अभी तक नहीं आए हैं। काफी कस्टमर रिटर्न हो रहे मेरे। और वेदर चेक कर लीजिए आप, फिर से क्लाउडी। अब तो ऐसा लग रहा है कि मोस्टली डे क्लाउडी ही वेदर रहेगा। बाहर थोड़ी ठंडी है बट अंदर में काफी गर्मी है। ये गाड़ी काफी देर से यहाँ पर खड़ी है, ट्रक्स भी स्टार्ट हो गए आज, ये साफ सफाई भी स्टार्ट हो गई है। ये छोटी सी गौ माता इतना परेशान करती ना, देखिए पूरे कचड़े को बिखेर दी है। दूध वाले ने इतना लेट कर दिया ना कि दिमाग खराब हो गया मेरा। समझ नहीं आता, तो बोला था 6:30 बजे आ जाना, अभी 8:30 बज चुके हैं बट अभी तक वो पहुंचे नहीं। अब वो आएंगे, मैं चाय बनाऊंगा, उसका बर्तन साफ करूंगा, काफी टाइम लग जाएगा। 15 मिनट्स लेटर। अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया, आज प्रोडक्ट भी डिलीवर करना था। ये देखिए अभी भी ये फ्रीजर में है। चलो एक बार मैं हेमंत को कॉल कर लेता हूँ, जैसे ही हुआ था तुरंत निकल जाऊंगा डिलीवर करने के लिए। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। ये देखिए भैया के पास हीरो की स्पोर्ट बाइक है, काफी दिनों बाद देखने को मिला ऐसी स्पोर्ट बाइक। कंधे पे सिलेंडर को लेके जा रहे हैं, काफी हैवी वर्क है इनका भी। फाइनली यार दूध आ गया। चलिए मैं अब चाय रेडी कर लेता हूँ, फिलहाल इसे मैं फ्रिज में डाल देता हूँ। चाय तैयार कर लेता हूँ, काफी कस्टमर रिटर्न हो चुके हैं। धूप जो है वो अच्छी खासी तेज हो गई है। मुझे वीडियो के लिए शॉर्ट्स भी क्रिएट करने हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट्स टाइम पे आ पाएंगे, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। फाइनली चाय अपना रेडी हो गया, काफी कस्टमर वापस गए इसकी वजह से। चलिए अब देखिए भाई रोड में भीड़, कल तो काफी सुनसान हो गया था क्योंकि आपको तो पता है कल वोटिंग था, इस वजह से लोग काफी लेट से निकले, गवर्नमेंट हॉलीडे भी था। चलिए हेमंत को आने में 10-15 मिनट लगेगा, तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद सीधा निकलूंगा प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, ये तो काफी लेट हो जाएगा। एक्चुअली प्रोडक्ट कल का आ चुका है बट टाइम की कमी की वजह से मैं डिलीवर नहीं कर पाया था, आज उनको डिलीवर करना ही पड़ेगा मुझे। ये प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर करना है, चलिए मैं डिलीवर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ड्रेनेज का काम चल रहा है, नालियाँ भर रही है। एक्चुअली मैंने यहाँ प्रोडक्ट डिलीवर कर लिया है, अब मैं निकलूँगा अगली जगह। ये सिस्टर बोल रही थी कि मुझे आपने वीडियो में मेंशन किया, तो मैं इनको मेंशन कर रहा हूँ।
फ्यूल काफ़ी लास्ट आ गया था, तो मैं पेट्रोल पंप को देखते देखते ही आ रहा था, बट कुछ सोचते सोचते आगे निकल गया था। फाइनली मैंने पेट्रोल डलवा लिया, अब मैं कह रहा हूँ वापस शॉप के लिए। ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। देखिए इस गन्ना जूस बेचने वाले भैया की क्रिएटिविटी। ये लोग निकल रहे हैं वापस फील्ड में। देखिए रोड पर भीड़ काफी कम हो गई है। 2 बज गया है और भीड़ काफ़ी कम हो गई है, मोस्टली जो इमरजेंसी। ओहो डैमेज हो गया, आई थिंक फिर से लेना पड़ेगा उनको। अगर आपको भी कॉल रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ चेकआउट कीजिए, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे देता हूँ और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे। ये कचरा उठाने वाले भैया लोग को अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इतनी धूप में भी। सैल्यूट है लोग। देखिए रोड कैसे खाली पड़ा है, कुछ गिने चुने ही गाड़ियां चल रही हैं। एक्चुअली काफ़ी दिनों से जीरा सोडे की रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी कस्टमर पूछ रहे थे, सो अभी गाड़ी आई थी तो मैंने ले लिया। ये है पार्ले का प्रोडक्ट, यहाँ पर लिखा डिशुम जीरा मसाला फ्लेवर सोडा। चलिए इसको अनरैप कर लेता हूँ मैं। फिलहाल इतना ही मैंने सेटअप कर लिया है, बाकी को पैकेज में ही रख दिया। धीरे धीरे गाड़ियाँ फिर से चलनी स्टार्ट हो रही है। आज के समय में ज्यादातर लोगों को डायबिटीज है, उसके साथ ही साथ स्ट्रेस है, उनको एंजाइटी है, डायसम भी काफी प्रॉब्लम। कहीं आपको भी ये प्रॉब्लम तो नहीं? अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो मैं लेके आया हूँ इसका एक सॉल्यूशन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी की जो पूरी तरह से आयुर्वेदा पे बेस्ड है, न इसमें कोई एडिट कलर है, न कोई हार्मफुल चीजें। मैं बात कर रहा हूँ झंडू कंपनी के प्रोडक्ट की। आपने इन प्रोडक्ट को देखा होगा, ये प्रोडक्ट काफी यूजफुल है आपके डेली यूज के लिए। अगर आप भी अपनी बॉडी को हार्मफुल केमिकल से दूर रखना चाहते हो और एक लॉन्ग लाइफ चाहते हो तो इन प्रोडक्ट का यूज करके जरूर देखिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जाइए और तुरंत परचेस कीजिए। आज जैसा रोड खाली है उसी तरह से मार्केट भी पूरी तरह से खाली है। मैंने कहा लंच के लिए आज काफी लेट हो गया है। ये मैंने लिया था देसी खजूर, ये देख लीजिए काफी टेस्टी है ये भी। चलिए इसे लेके चलते घर। 15 minutes later. फाइनली मैं घर पहुंच गया और वाटर कैन को भी लिया पानी के लिए। लंच के बाद शाम हो गई है, एक्चुअली काफी लेट हो गया है, 7:15 हो गया है और मैं निकल रहा हूँ अभी शॉप के लिए। एक्चुअली मेरी नींद पड़ गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, अभी जस्ट कॉल आया तो मैं उठा। फाइनली हम लोग निकल ही रहे हैं, बट चाबी आई थिंक चाबी नहीं मिली घर की, ढूंढ रहे हैं। मेरे पास तो है चाबी, इसकी चाबी नहीं मिलती है। शेल जैसे मिलता है हम लोग निकलते हैं। 15 minutes later. शाम हो गई है और भीड़ देख सकते हैं आप काफी ज्यादा है। यहीं डिज्नीलैंड आए थे हम लोग, बट काफी ज्यादा भीड़ थी यार। वैसे डेकोरेशन काफी अच्छा है और काफी यूनिक भी, काफी यूनिक है यहाँ पर। देखिए आप बच्चों के लिए काफी एंटरटेनिंग है। देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं। कितना? 100 कैश ठीक है। जाया झुनिया पिंपल्स काले दाग आंखों नीचे काले धूप से जो टैनिंग सांवलापन होता है उसको भी खत्म करता है। ठंडा साफ सुरक्षित रखता है, ग्लो आता है चेहरे पे, निखार लाता है। देखो सुनो एलोवेरा ग्लिसरीन गुलाब जल सब कुछ इसमें मिक्स है, कुछ मिलाना नहीं है, डायरेक्ट लगा लेना है। 200 का सिर्फ 200 रुपए का, 250 का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 250 का। टेस्ट कराइए ना। ये पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी आया
कौन कौन से फ्लेवर है? स्ट्रॉबेरी है, अंजीर है, रेडन खजूर है, कीवी है, पाइनएप्पल मैंगो है। कौन सा मैंगो? देखिए चल रहा है, मिक्स क्या है ना, मिक्स ही उठा ले, मिक्स ले ले बोलता हूँ, मिक्स ले लेते हैं, चलो मिक्स ले लो। मिक्स का डब्बा आएगा पूरा 250 ग्राम का पैकिंग है। ठीक, मिक्स भी ठीक लग रहा है। बच्चों के लिए काफी बेहतरीन है और बड़ों के लिए भी। ये काफी स्कैरी लगता है मुझे। इनका टिक्की चाट काफी टेस्टी रहता है। काफी अच्छी भीड़ है यहाँ पे। हमने एक मसाला पापड़ का ऑर्डर किया, चलिए देखते हैं। 50 rupees में वर्थ इट है कि नहीं? साइज वाइज तो नहीं लग रहा, टेस्ट वाइज चेक करते हैं। काफ़ी स्कैरी है ये। एक्चुअली बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज था, इस वजह से मैंने इसे म्यूट कर दिया। ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा गेम है, काफ़ी पसंद आएगा उनको। भीड़ काफ़ी है आज। ये सेल्फी पॉइंट बच्चों के लिए। हम लोग निकल रहे हैं वापस, काफी ज्यादा भीड़ है आज। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। हम लोग आए हैं फ्राइड राइस खाने के लिए। एक्चुअली आज डिनर नहीं है, यही खा के पेट भरना है। क्या वेज है क्या? फाइनली हम डिनर करके घर आ गए हैं। एक्चुअली हमने डिनर तो नहीं किया, थोड़ा सा फ्राइड राइस ही खा लिया हम लोग, पेट तो पूरी तरीके से भर चुका है। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, मिलते हैं कल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। और अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो नीचे जाओ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भूलिएगा नहीं। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है।